गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी के आर ब्लॉग्स। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। ये जो गेहूं है ये बारिश से गीली हो गई है, तो इसको जो है तरपाल के नीचे रखा हुआ था ढक करके, तो अभी इसको निकालेंगे और धूप में रखेंगे सुखाने, जिस तरह से और लोगों ने रखी हुई है। तो अभी इस ये जो सारा ढेर है इसको यहाँ पर फैलाएंगे पूरे इस एरिया में। और बाकी अभी देखिए सनराइज़ हो रहा है सुबह सुबह, मतलब हो चुका है, सुबह के 9 बजे हुए। और ये देखिए कुछ गांव का यहाँ पर नज़ारा, बहुत ही बढ़िया। और ये जो पेड़ों में है ये घास है रखी हुई। तो आज का हमारा प्लान है काफल खाने जाने के लिए, मतलब काफल खाने जाएंगे वहाँ उस जंगल में ऊपर टॉप में। तो पहले ये काम कर लेते हैं यहाँ का और बाकी फिर चलेंगे यहाँ से। होगी इंट्रो इंट्रो, आ जाओ अब नीचे। हाय हाय, हेलो, तो बोला ना तूने। हाय हाय गाइस, देखिए हमारे गांव में जैसे काम किया जाता है। कैसे? ऐसे जैसे आपको दिख रहा है। क्या हो रहा है ये? ये जो है गेहूं ऐसे अलग अलग करके रखी जा रही है ताकि धूप से अच्छी तरह सूख जाए और फिर जब क्या बोले शाम को हो तो तब अच्छा होता है। तो चलो मैं भी लग जाता हूँ इनके साथ और फिर आगे मिलते हैं आपको। चलो चलो चलो। तो गाइस देखिए ये है मेरे गांव का नजारा। तो गाइस ये है मेरा बगीचा। यहाँ पे मैं जब छोटी होती थी तो हमें छुट्टियाँ पड़ती थी 36 दिनों की, तो यहाँ पे आती थी मैं अपना होमवर्क करने के लिए, छुट्टियों का होमवर्क करने के लिए। जो पत्थर है वहाँ पे, यहाँ पे मैं अपना होमवर्क करती थी यहाँ बैठ के, यहाँ अखरोट की छाया में, जंगल में। अच्छा होता था उस टाइम, ये यहाँ पे भी होता था एक पेड़ अखरोट का, अखरोट का नहीं सॉरी वो क्या बोलते उसको, आड़ू का। ये जो पूरा बगीचा आड़ू से भरा हुआ था, लेकिन अब क्या करें, ये अखरोट है ना, अखरोट है, बहुत बड़ा पेड़ है। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी खड्ड की तरफ और वहां पर जो है पत्थर तोड़ रहे हैं, घर का काम चल रहा है यहाँ पर, अज्जू के घर का, कुकू के चाचू का लड़का, तो उनके साथ हेल्प करने जा रहे हैं हम। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं खड्ड में, तो यहाँ पे देखिए पापा पत्थर तोड़ रहे हैं। हाँ छोटे वाले पापा। मैं जो चाचू को पापा ही बोलती हूँ, तो ये मेरे छोटे पापा है और ये अज्जू। देखिए गाइस ये जो है बहुत बड़ा पत्थर है, पहले इसके ऊपर मिट्टी थी तो मिट्टी पहले साफ की और उसके बाद अब ये पत्थर है, पत्थर ये हिला रहे हैं। तो देखिए गाइस अभी भी काम जो है वो कंटिन्यू है और यहाँ पर कुकू ने एक मछली पकड़ी है बहुत ही बड़ी। शाम को हम मछली खाएंगे तल के, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बहुत ही बड़ी मछली पकड़ी है, ओ माय गॉड। फिर क्या बनाया शाम को है? मच्छी पकौड़ा। मच्छी पकौड़ा, हाँ ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो है छोटी छोटी मछलियाँ हैं बहुत सारी, तो कुकू जो है यहाँ पर अपने बचपन की यादें ताजा करती हुई और ये गंदा पानी पी रही है। पी नहीं रही हूँ मैं, इसको किस कर रही हूँ मैं इसको। हाँ इसको करके खा ले, इसको कच्चा ही खा जा, बच्ची है ये क्या खानी है, छोड़ दे इसको चल। ये देखिए पत्थर का ढेर लगा दिया है यहाँ पर, अभी इसको फिर यहाँ से जो है पीठ पर उठा करके ले जाएंगे और उधर परे वहाँ पर बन रहा है घर, वहाँ पर इसका काम होगा इन पत्थरों का। बाकी ये देखिए नज़ारे। चलो जी काम की छुट्टी हो गई है, 5 बज गए हैं और अब जा कर के चाय पियेंगे और कुकू को देखिए क्या काम लगा हुआ है, ये पत्थर की गिट्टियाँ बना रही है खेलने के लिए। चलो चलो सिपाहियों, ये देखिए किस तरह से खड्ड क्रॉस कर रहा है अजय ठाकुर। तो गाइस आज हम लोग काफल खाने जो है नहीं जा पाए क्योंकि काम था ये पत्थर निकाले, तो शायद कल जाएंगे, तो इस वीडियो को मैं अब कल कंटिन्यू करूंगा। तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी आज हमारा दूसरा दिन है, तो आज हम लोग जा रहे हैं काफल खाने के लिए। और तो जैसे मैंने आपको बताया था काफल खाने जाएंगे, तो अभी चले हुए हैं, तो वो देखिए पीछे वो रह गया घर नीचे और बाकी ये देखिए हमारी गैंग चली हुई है, चुज्जे चुज्जे छोटे मोटे सब। तो ये देखिए सब के सब जा रहे हैं
ये क्या, ये भरे भर के लाएंगे हम काफल के, और आगे भी है बहुत ही बड़ा। ये देखिए गाइस क्या बढ़िया जगह है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, मज़ा आ रहा है। सर देखिए गाइस सब चले हुए अभी भी, और यहाँ पर थोड़ी सी छाया है ऊपर देखिए। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर रुके थे और अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं ऊपर की तरफ। बाकी ये देखिए उस तरफ छोटे छोटे देवदार के पेड़, तो ये पूरी इस पहाड़ी में लगाए गए हैं, कुछ सालों बाद ये भी पूरा देवदार का जंगल बन जाएगा, लेकिन अभी जो है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। कैमरा में उतना जस्टिस नहीं होगा लेकिन फिर भी देखिए, और ये वाली पहाड़ी और ये देवदार के बड़े बड़े पेड़, और सामने देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, वहाँ पर चले हुए हैं सब लोग। यहाँ पर आपको लिंगड़ी मिलेगी, काफड़ मिलेंगे खाने के लिए, और बाकी ये देवदार के पेड़। तो मैं अभी आपको लिंगड़ी भी दिखाता हूँ कैसी होती है, यहाँ पर लिंगड़ू बोलते हैं, लिंगड़ी बोलते हैं, कुछ लोग लिंगड़ बोलते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम। ये देखिए गाइस कुछ इस तरह से होता है लिंगड़ू का ये पौधा, ये ज़मीन से सीधा निकला हुआ है, और ये तो इसकी बनती है सब्जी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। यहां देखिए ये देखिए इन्होंने इसकी सब्जी खाते हैं, दिखा मैं एक, ये देखिए लिंगड़, इनको साफ करके बनाते हैं, है ना, अचार भी बनता है इसका, ऐसे 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 करके। चलो चलिए चलिए आगे चलिए। वाओ ये क्या बगीचा है, ये किस चीज का बगीचा है, लिंगड़ की तरह है ये भी, ओए इससे ना जो सिखाएगा ना डांस करते रहेगा। ये नहीं है लिंगड़, लेकिन लेकिन लिंगड़ की तरह सेम बिल्कुल, ये पूरा का पूरा एरिया, लेकिन ये नहीं है, तो ये भी पहचान करनी पड़ती है कौन सा पौधा सही है खाने के लिए और कौन सा नहीं है। नाचो तो यहाँ पर आए थे काफल खाने, और यहाँ पर हो रहा है लिंगड़ी इकट्ठी कर रहे हैं लोग, हैं? आ देखो डांस करते करते इन्होंने अपना टारगेट चेंज कर दिया है, इतनी सारी लिंगड़ कर दी तूने, ओ देखिए गाइस कुकु ने कितनी लिंगड़ कर दी इकट्ठी, तो काफल लेने आएगी लिंगड़, ए भगवान एक ज्यादा बच्चू हो गया, ए बच्चू नहीं इसे एक कौड़ा होता है, खाने को फेंक दो उसको, ओ भाई जितना टेस्टी होता है ना, अच्छा उतना नहीं होता मीठा भी, एक सही बात, क्या है क्या है, ऐसे बोलना बुजुर्ग कहते हैं कि इसे खा के नाचते हैं, ये नहीं है खाने वाली, करते खाने वाली है ये, खाने वाली, देखिए गाइस इस बच्चे को भी पता है ये खाने वाली नहीं है, इस चूजे को। तो देखिए पहुंच गए हैं काफल के पास, बहुत ही बड़ा पेड़ है ये ऊपर जो थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये वाला, अभी चढ़ेंगे इसमें। ये देखिए मेरी सासू माँ को कितनी सारी लिंगड़ी निकाली है, और अब काफल खाएंगे। मेरी सासू माँ बहुत यंग है, मेरे से भी यंग है, मेरे से भी छोटी है मेरी सासू माँ। ये देखिए उन चूजों को, देखिए गाइस अगर आप लोग शहर में रहते हैं तो देखिए इनको हो गई है। कैसे चले हुए हैं ये इस जंगल में, क्या मजा है, ये हमसे भी ज्यादा फास्ट है, ये नहीं, ये फास्ट है। देखो उस दानू को, और ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये रही कुकू, और वो है कुकू की चाची, सासू माँ हुई हमारी, और ये है महक, और यहाँ पर है एक चूजा, और एक पहुंच गए पेड़ के ऊपर। तो देखिए गाइस ये है काफल, ये थोड़ा सा ग्रीन है अभी, ये अभी पका नहीं है, और ये देखिए ये रेड रेड जो है ये पका हुआ है, और ये यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक हो गया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मीठा होगा। तो ये है पूरे पेड़ में इस तरह से लगे हुए हैं, तो बस इनको निकालेंगे और जो बर्तन लाए उनमें भर कर ले जाएंगे और सबको खिलाएंगे फिर। ये देखिए गाइस छोटी सासू माँ कहाँ चढ़ चुकी है, और ये कुकू तो भाई जमीन में रहती है कछुओं की तरह। ओ हो देखिए इसमें कितने सारे हैं, चढ़ो चढ़ो जल्दी,
गिरना मत का, तो चढ़ो भाई। सच में छोटा बाल्टी थे जाजू भाई के पास, पहाड़ी लोग नहीं ना। लुंगना साहब आगे आगे क्या जाना, चलो चलो निकालो भाई। सब ने एक एक पेड़ पकड़ लिया है और जूस पेड़ में है। और ये मेरा कुकू है तो पूरा कछुआ है ये, तो का पता नहीं है खुद कितने सजाते हो पेड़ पे जो मुझे बोल रहे हो। देख अभी देख, ये देखिए गाइस हम लोग चढ़ गए हैं पेड़ के ऊपर और ये चूजे नीचे हैं। तो ये देखिए अभी मैं पेड़ के ऊपर बैठा हूँ और यहाँ पर है काफल, यहाँ पर लगे हुए मेरे मुंह के सामने। ये देखिए अभी हम इनको निकालेंगे और इकट्ठा करेंगे और थोड़े बहुत खा लेंगे। क्यों कितने सारे काफल है यहाँ पर और हम दो दो चढ़े हुए इस एक ही पेड़ के ऊपर। और यहाँ पर देखिए हमारा भर चुका है काफल का बर्तन ये। और वहाँ पर जत्तू बहुत ही ज्यादा काफल है यहाँ पर, देखिए बिल्कुल रेड के बाद ब्लैक ब्लैक हो गए हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं काफल लेकर के और अभी जा रहे हैं घर की तरफ। ये देखिए दिखाना जरा, ये जो है बिल्कुल फुल आया हुआ है, पूरा भरा हुआ बोतल हमने केले की। और इसने लिंगड़ू भी लाए हैं और काफल भी लाए हैं। तो चलो चलो ये देखिए पीछे, ओहो दिख नहीं रहे हैं, बैक कैमरा से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सब लोग चल पड़े हैं वापस और कुकू और छोटी सासू माँ अभी तक पीछे हैं। उन दोनों को बहुत ही ज्यादा काफल की, हाँ तो ये भाई तीन चार बंदों का है और उनको अभी और काफल निकालने हैं। तो वैसे अब तो आ रही है वो। तो ये देखिए कुछ नज़ारे देखिए आप लोग कितने सुंदर हैं, वाह बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट। तो ये देखो भाई यहाँ पर, ओ बाबा ओ बाबा कितनी सारी लिंगड़ी कर दिया ना। ये देखिए हमारी गाड़ी खड़ी हुई है आगे, जाम लग गया है गाड़ी को कई दिनों से। ये पहुंच गए हम लोग घर में। ये देखिए गाइस ये और ये बाल्टू, ये दोनों फुल है, लिफाफा आधा है और लो कितने खाने। सब कुछ है, खाओ हो तेरी आए। और ये हम तो गए बांट दिए गए सारे काफल। देखिए ओ ले ले शुरू जी के साथ खड़े।